बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RRR का वेट इस वक्त पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी बेसब्री से कर रही है। फिल्म जहां इसी महीने रिलीज होने वाली थी लेकिन कोविड की वजह से फिल्म को आगे खिसका दिया गया और जो इस मूवी का शिद्दत से इंतजार कर रहे थे उनके अरमान पानी पानी हो गए। फिल्म न जाने कब रिलीज होगी लेकिन इस मूवी के नेशनल और इंटरनेशनल डायहार्ड फैंस के लिए हम लेकर आए हैं फिल्म का वेरी फर्स्ट रिव्यू। दरअसल कोरोना महामारी के बीच फिल्म को एक खास शख्स ने देख लिया है जिसके बाद ये नामी हस्ती अपनी एक्साइटमेंट काबू में नहीं कर सका और उन्होंने फिल्म के बारे में अपनी राय देते हुए पहला रिव्यू शेयर कर दिया है। इस रिव्यू को पढ़ने के बाद फिल्म के इंतजार में बैठे फैंस के लिए ये इंतजार करना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फिल्म को 7 जनवरी 2022 के दिन रिलीज होना था। इससे पहले फिल्म को सेंसर बोर्ड में सबसे पहले पेश किया गया जहां नामी पत्रकार और फिल्म क्रिटिक्स उमर संधू ने ये फिल्म पूरी देख ली है। SS राजामौली की इस फिल्म को देखने के बाद उमर संधू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, सेंसर रिपोर्ट ऑफ RRR इज माइंड ब्लोइंग # जूनियर NTR परफॉर्मेंस इज टॉक ऑफ द टाउन। इसके अलावा भी उमर ने RRR पर एक ट्वीट किया था जो कि थोड़ा पुराना है लेकिन उसमें उन्होंने कहा, आफ्टर वॉचिंग RRR एट सेंसर बोर्ड फीलिंग्स लाइक इट कैन ब्रेक ऑल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ऑफ दंगल एंड बाहुबली 2 राम चरण एंड जूनियर NTR इज इन करियर बेस्ट फेज। जब से सेंसर बोर्ड का ये रिव्यू सामने आया है तब से फैंस और ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं इस मूवी को लेकर और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब RRR के मेकर्स इसकी नई रिलीज डेट का ऐलान कर फैंस को खुश करेंगे। हालांकि फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि रिलीज डेट जल्द ही मेकर्स अनाउंस करने वाले हैं। कोविड से चीजें बेहतर होने के बाद रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद भी 1-2 महीने तक जो मेकर्स हैं वो पहले चीजों को देखेंगे उसी के बाद रिलीज पर कोई फैसला लेंगे। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।